कोई अपनों से, कोई अपने आप से, कोई घर से, कोई घर वालों से, कोई ऑफिस से, कोई ऑफिस वालों से। हर इंसान किसी ना किसी पे, कोई ना कोई कारण पे गुस्सा है। लेकिन आपको ये पता है कि जब हम गुस्सा होते हैं तो उसकी इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी ब्रेन पे या तो फिर हमारी रिलेशनशिप्स पे क्या होती है? न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन एक्टिवेट हो जाता है जिसे कहते हैं एमिग्डाला, जिसे इमोशनल फिल्टर भी कहते हैं। मतलब जब भी हम खुशी, दुख, डर या गुस्सा फील करते हैं तो एमिग्डाला के माध्यम से ही करते हैं और उसी के साथ उसकी असर हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे पड़ती है और ये है हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें फ्यूचर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और याद शक्ति के लिए काम में आता है। समस्या ये है कि जब एमिग्डाला एक्टिव हो जाता है तब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। इसीलिए शायद हम जब गुस्से में होते हैं तो हमारा बर्ताव अजीब हो जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, ना लेने वाले फैसले कर देते हैं या तो फिर कहीं बार फाइटिंग, क्योंकि गुस्से में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता। इसीलिए हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम गुस्से में क्या बोल गए और शायद उसी बात का पछतावा होता है या दुख। गुस्सा सिर्फ आपके दिमाग को नहीं पर शरीर को भी असर करता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम होती है और कहीं लोगों को गुस्सा करने के बाद सरदर्द भी महसूस होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक डेटा के हिसाब से एवरेज 7.5 मिलियन डेथ्स ब्लड प्रेशर से होती है, विच इज 12.8% ऑफ द टोटल डेथ्स। तो सोचिए बार बार गुस्सा करना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। जानने वाली बात यह है कि हमें गुस्सा आता क्यों है? किसी चीज को चाहते हैं वो नहीं मिले तो गुस्सा, हार की निराशा का गुस्सा, हम जैसे हैं वैसा कोई ना स्वीकारे तो गुस्सा, कोई बिना कारण के हमारे लिए राय बनाए तो गुस्सा, और अगर किसी चीज का डर लगे तो गुस्सा। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई बाहर वाला उत्तेजित करे तो मुझे गुस्सा आएगा, ये पक्का है। नहीं नहीं, इन्हें देखिए जरा। See, around us, so many people will do so many things that we don't like. Yes or no? So many things in Mumbai happening, things that we don't like are every day happening. But at least within you, only what you want should happen within this, isn't it? Huh? I cannot decide that only what I want should happen with you, but I can definitely decide only what I want must happen within me, isn't it? If you could decide only what you want should happen within you, would you choose anger or joy? गुस्से का एक और पहलू है। अगर आप गुस्से में किसी को कुछ बोल रहे हैं तो समझ लो सामने वाले का एमिग्डाला भी एक्टिव हो चुका है और उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनको कोई भी डिसीजन लेने नहीं देगा, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो गुस्से का साइंस तो आपने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं गुस्से के लिए हमारे धर्म क्या कहते हैं। भागवत गीता में कहा है, क्रोध होने पर मूढ़ भाव हो जाता है, यानी आदमी मूर्ख हो जाता है, मूर्खता से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। गर्म स्वभाव वाले लोग मूर्खतापूर्ण काम करते हैं और समझदार लोग शांत रहते हैं। क्रोधी लोग मतभेद भड़काते रहते हैं जबकि सहनशील लोग झगड़े को शांत करते हैं। और एक बड़ी मस्त लाइन कुरान से, गुस्सा पीने वाले लोग अल्लाह के महबूब होते हैं। तो दोस्तों, गुस्सा हमारी सेहत और पर्सनालिटी दोनों के लिए ठीक नहीं है ये तो हमने जान लिया, लेकिन गुस्से पे काबू कैसे पाया जाए चलिए समझते हैं। जैन धर्म के हिसाब से माफी देना
और माफी मांगना ये धर्म की 10 लाक्षणिकता में से एक है। किसी की बातों या कर्मों का बोझ अपने दिमाग पे लेके मत चलो, माफी दे दो या माफी मांग लो। गालिब ने भी खूब कहा था, जिंदगी को मैंने इस तरह आशा कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। Suppose someone asks you a question in your home, your parents or your mother, your father or your brother, somebody, or you ask a question to someone and they don't answer the question. Say someone, where are you going? You don't say anything. They say, where are you going? So don't say. Your spouse would be the best person to ask. Where are you going? You don't say anything. I'm asking you, where are you going? The fourth, fifth time the voice will raise, anger will rise, and if you don't answer even then, that will become like, when that question ferments, it becomes violence. You want to try? Anyone want to try? श्री श्री रविशंकर जी के इस वीडियो से एक और पॉइंट बाहर आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को कोई सवाल पूछते हैं और सामने वाला एक बार में जवाब नहीं देता तो हमें गुस्सा आ जाता है। मेरा मानना यह है कि सामने वाला जैसा है उसे आप अपना लीजिए, कि ये इंसान ही ऐसा है कि एक बार में जवाब नहीं देता। मेरी मानिए, आपको गुस्सा कम आने लगेगा। जहां सोचा भी ना हो वहां इतना मिल जाता है कि संभाल ही नहीं संभलता। एक बात कहें, किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें गुस्सा तब आता है जब हम लोगों से उम्मीद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बर्थडे है और मैंने कर ली पार्टी या गिफ्ट की उम्मीद, और अब अगर मेरी उम्मीद के हिसाब से मुझे पार्टी या गिफ्ट ना मिले तो आएगा मुझे अपनों पे गुस्सा, अपने आप पे गुस्सा। याद रखिए, पॉजिटिव सोचने में कि मुझे पार्टी मिल सकती है और ओवर एक्सपेक्टेशन में फर्क है। और एक आखिरी पॉइंट, ज्यादा देर तक गुस्से वाली फीलिंग में मत रहिए। धर्म भी यही कहता है और साइंस भी। अगर गुस्सा आए तो अकेले मत रहिए, अपना मूड बदल दे। और याद रखिए, आखिर में यह मायने नहीं रखता कि जिंदगी में कितनी सांसें ली, पर यह मायने रखेगा कि उन सांसों में कितनी जिंदगी जी।